इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, डी वाला, 2x स्क्वायर माइनस पर 2 रूट 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ रूट वाला गया, रूट से बच्चे घबराते हैं, डरते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, सबसे इजी है, ठीक है। जो प्रोसेस है, जो मेथड है, बस वही आपको अपनाना है, कुछ भी दे दे उससे आपको डरना नहीं है, ठीक है। आइए किससे कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, ठीक है। तो लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर कर दीजिए। ए इक्वल टू क्या हो गया, टू, बी इक्वल टू माइनस का 2√2, सी इक्वल टू 1, ठीक है। क्या पूछा है, फाइंड रूट्स, रूट्स आपको निकालने हैं, किस मेथड से, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a माइनस बी। फिर यहां लिखो माइनस, फार्मूला वाला है, बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, तो लिखे ब्रैकेट में माइनस का 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट। प्लस माइनस इसलिए लिखा जाता है क्योंकि x की वैल्यू 2 मिलेगा, ठीक है, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। तो बी स्क्वायर यानी माइनस का 2√2 इसका होल स्क्वायर माइनस का 4, ए का मतलब हो गया 2, सी का मतलब हो गया 1। थोड़ा सा यहां देख लेते हैं, 2√2 का स्क्वायर जब करेंगे तो माइनस रहेगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा, 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, लेकिन कोई भी क्वांटिटी अगर अंडर रूट में है और उसका स्क्वायर जब करेंगे तो केवल रूट से हट जाएगा, ठीक है। तो रूट 2 का स्क्वायर क्या होने, केवल 2 यानी 4√2 जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4√2 जाएगा। नीचे आइए, अपॉन 2 इंटू ए, ए की वैल्यू कितना है 2, देखिए माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ये जगह 2√2 प्लस माइनस अंडर 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8 यानी 8 माइनस 4 2 जा 8 8 1 जा 8 होल अपॉन 2 2 जा 4, ठीक है, इक्वल। अब देखिए 8 से 8 खत्म हो गया, ये तो 0 हो गया, यानी केवल हमारा 2√2 अपॉन 4, ठीक है। इससे आप इसको काट दीजिए, 2 2 जा 4। अब देखिए रूट 2 अपॉन 2 आ गया, फिर हम जरूरत पड़ने पर हम क्या करेंगे, इस रूट 2 को जो नीचे 2 है इसको लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, एक रूट 2 से एक रूट खत्म हो गया तो 1 अपॉन रूट 2 हो गया, ठीक है। और रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही होता है अंडर रूट से बाहर लेने पर, इसलिए यहां x की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2 फिर 1/√2, इसको दो बार आप लिख लेंगे, ठीक है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, केवल सिंगल भी लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगर नॉर्मल मेथड से आप करना चाहते हैं तो देखिए फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में आपको रूट वाला बताया गया था, फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 2, फिर वही 2 को जरूरत पड़ने क्या लिख सकते, रूट 2 इंटू रूट 2 लिखा जाता है, ठीक है। तो यहां से देखिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2x² माइनस का √2x माइनस का √2x प्लस का 1 इक्वल टू 0, यहां से देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, यहां से रूट 2 काम लीजिए तो √2x माइनस का 1, यहां कुछ भी नहीं कॉमन है तो यानी 1 कॉमन हो जाएगा, 1 कॉमन लेंगे तो √2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। देखिए √2x-1 फिर दूसरे ब्रैकेट में भी √2x-1 इक्वल टू 0, यानी √2x इक्वल टू 1 इफ कंडीशन लगाएंगे तो x इक्वल टू 1/√2, फिर यहां भी √2x इक्वल टू 1 आएगा, x इक्वल टू 1/√2, यानी दोनों ही आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/√2 1/√2 आ गया, प्लस माइनस वाला केस यहाँ था तो जीरो हो गया, इसको हटा दीजिए तो दोनों ही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा 1/√2 और 1/√2, ठीक है। दोनों मेथड से आपको बता दिया गया है, नोट कर लीजिए।